भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 141 रन के साथ ही एक पारी से हरा दिया। तीन दिन में खत्म हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी की। वेस्ट इंडीज की टीम पहली पारी में 150 रन पर सिमटी, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने 421 रन पहली पारी में बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम के सामने भारत ने एक लंबी बढ़त हासिल की, लेकिन वेस्ट इंडीज दूसरी पारी में 130 रन ही बना सकी। इसी के साथ भारत ने पारी और 141 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मैच में टीम इंडिया के हीरो रहे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 171 रन की पारी पहली पारी में खेल करके भारत को एक शानदार बढ़त दिलाई। इसके साथ ही रोहित शर्मा का भी शतक इस मैच में आया। वहीं अगर बात करें गेंदबाजी में, तो भारत के लिए गेंदबाजी में कमाल किया रविचंद्रन अश्विन ने। अश्विन ने पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 7 विकेट झटके, यानी कुल वेस्टइंडीज के 20 बल्लेबाजों को आउट करने में अश्विन ने 12 विकेट झटक करके वेस्टइंडीज की कमर तोड़ने का काम किया। और इसी के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ आर अश्विन ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो आर अश्विन ने 34वीं बार टेस्ट क्रिकेट में 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए। इसके साथ ही विदेशी जमीन पर किसी भी टेस्ट की दोनों इनिंग्स में शानदार प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड भी आर अश्विन ने अपने नाम किया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आर अश्विन ने विदेशी जमीन पर किसी भी टेस्ट मैच में सबसे बेहतर अपना ओवरऑल प्रदर्शन किया है। आपको ये भी बता दें कि भारत के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। साथ ही आर अश्विन ने 8वीं बार किसी टेस्ट मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं। इनसे पहले केवल अनिल कुंबले ऐसा कर पाए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दोनों पारियों में सर्वाधिक 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन के नाम हो गया है, और वह दुनिया के तीसरे गेंदबाज और भारत के पहले गेंदबाज बने हैं। साथ ही भारत और वेस्टइंडीज टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रविचंद्रन अश्विन चौथे सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं। साथ ही साथ भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच में सर्वाधिक 5 विकेट होल, यानी कि सबसे ज्यादा 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन ने अपने नाम कर लिया है, और भारत के लिए वे सबसे ज्यादा 6 बार ऐसा कर चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि विदेशी धरती पर दोनों पारियों में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। भारत के लिए अब तक केवल 5 गेंदबाज ऐसा कर पाए हैं, जिनमें आर अश्विन का नाम भी शामिल है। आपको ये बता दें कि इस मैच में भारत के लिए आर अश्विन ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी की बात करें तो यशस्वी जायसवाल के 171 रन, रोहित शर्मा के 103 रन और बाद में विराट कोहली के 76 रन इस मैच में शामिल है। बहरहाल इस मैच को लेकर, इस आर अश्विन की शानदार गेंदबाजी को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।